नमस्ते एंड वेलकम। आज हम ट्रैवलिंग के लिए बेडरोल बनाएंगे। ये एक कॉटन साटन की किंग साइज की डबल बेडशीट है मेरे पास, जो जल गई थी। इसी को यूज़ करके मैं बेडरोल बनाऊंगी। इस बेडशीट को हमने दो पीस में कट किया है। एक पहला शीट है 35 इंच बाई 80 इंच, जिसको हम फोम की एक शीट डाल के 3 लेयर का बनाएंगे। इसमें नीचे एक कॉटन का कपड़ा भी लाइनिंग के लिए डालेंगे, तो हमारा 3 लेयर का एक शीट तैयार हो जाएगी। और हम इसी को अलग से पाइपिंग नहीं जोड़ेंगे, इसी कपड़े को हम साइड से फोल्ड करके पाइपिंग बना देंगे। और बीच में मैंने 2 सिलाई कर दी है, ताकि फोम, इसके जो फोम शीट है वो अच्छे से सेट हो जाए और हमको फोल्ड करने में भी ईजी रहे। ये देखिए, ये तैयार हो गई आपकी शीट एक, और इसको फोल्ड करके आप आसानी से ले जा सकते हैं। ये वेटलेस भी है। ठंड के मौसम में आप इसको ओढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या आप बिछा सकते हैं। ये लाइट वेट है, तो कहीं ट्रेवल करते समय आप आसानी से ले जा भी सकते हैं। इस तरह से इसे फोल्ड करके आप रख लीजिए। अब एक और शीट हम तैयार करेंगे, जिसमें हम फोम शीट नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एक कॉटन का अस्तर लगाएंगे और उसको हम किनारे से ही अलग से पाइपिंग, इसमें भी नहीं जोड़ना है, साइड का हम स्टिच करके उसी को फोल्ड करके पाइपिंग बना देंगे। इजीली ये भी हमारी चादर तैयार हो जाएगी, जिसको कवरिंग शीट के जैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको स्टिच कर देना है। इस तरह से आपकी 2 शीट तैयार हो जाएगी, एक कवरिंग शीट होगी, एक स्प्रेडिंग शीट होगी। फोम शीट वाली जो शीट है वो अच्छी, ठंडी के समय में आप ओढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो गर्म होती है। इस तरह से 2 पीस हमारे तैयार हो गए। अब बीच का पोर्शन जो बचा था बेडशीट का, उससे मैं पिलो कवर बना रही हूँ। पिलो कवर का साइज हमने 35 इंच बाई 11 इंच लिया है। इसके दोनों साइड्स को हम फोल्ड कर देंगे और स्टिच कर देंगे। अब पिलो कवर बनाने के लिए इसको उल्टा करके हम फोल्ड करके सिर्फ 2 सिलाई लगानी है साइड में, तो आपका पिलो कवर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आपका पिलो कवर तैयार है। अब इसके अंदर डालने के लिए एक हम छोटा सा पिलो बना लेंगे। पिलो बनाने के लिए आपको जितना बड़ा साइज का पिलो चाहिए, उतना कपड़ा कट करके आप उसके साइड से स्टिच करके थोड़ा सा पोर्शन ओपन छोड़ दीजिए, जिसमें से हम कॉटन को फिल करेंगे। कॉटन नहीं होगा तो आप कोई भी पुराने कपड़े के छोटे छोटे पीसेस करके भी आप उसको फिल कर सकते हैं। फिर फिल करने के बाद उसको स्टिच करके बंद कर दीजिए। देखिए, ये तैयार हो गया आपका पिलो विद पिलो कवर। इन तीनों चीज को, तीनों पीस को, बेडशीट को और पिलो कवर को रखने के लिए एक छोटा सा हम कैरी बैग या बैग बना देंगे, जिसमें एक फोम की शीट डालेंगे। ये बैग 35 इंच बाई 18 इंच लंबाई और चौड़ाई लिए मैंने, और ये पतले पतले 2.5 इंच के स्ट्रिप्स लिए मैंने लंबे, जो चेन के लिए यूज करेंगे।
अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। अभी स्ट्रिप को अरेंज करके इसमें फोम की शीट और एक लाइनिंग का कपड़ा डाल के इसमें हम चेन अटैच करेंगे। इस तरह से चेन को उल्टा रख के हम स्टिच करेंगे पूरा दोनों साइड से। फिर उस सिलाई को बिठाने के लिए हम ऊपर से एक और स्टिच करेंगे, नहीं तो चेन खोलते समय कपड़ा फंसेगा उसमें। इस तरह से आपको सिलाई दबा देनी है साइड से। अब सेंटर मार्क कर लिया हमने इसका। अब सेंटर मार्क से लेके हम तीन साइड का ये इसकी लेंथ मेजर करेंगे, क्योंकि ये तीनों साइड में हमको वो पट्टी चेन वाली पट्टी जोड़नी है। 54 इंच का है। मैंने 52 इंच लिया है, उसको 50 इंच तक यूज होगा, जो एक्स्ट्रा होगा मैं बाद में कट कर दूंगी। इसका भी सेंटर पोर्शन मार्क कर लिया चेन वाले पोर्शन का, और ऐसे ही फ्रंट वाले पोर्शन का सेंटर मार्क हमको करना पड़ेगा। बेडशीट के बचे हुए पट्टियों से मैंने एक हैंडल भी बना दिया है, उसमें अंदर फोम शीट डाल के उसको स्टिच कर दिया है। उस हैंडल को इसमें हम स्टिच कर देंगे। इस तरह से पहले हम हैंडल लगा देंगे, उसके बाद हम चेन लगाएंगे। एक छोटी सी पॉकेट भी डालेंगे हम यहाँ पर फ्रंट में। बेडशीट का बहुत छोटा पोर्शन बचा था, इसलिए साइड में मैंने रेड कपड़ा भी थोड़ा जॉइंट कर दिया है पॉकेट के लिए। इसका पॉकेट के किनारे में साइड में आप स्टिच कर दीजिए। दोनों साइड स्टिच करने के बाद उसको बैग के सेंटर पोर्शन में मार्क करके वहां पर उसको स्टिच कर दीजिए। अब फ्रंट साइड का सेंटर में मार्क कर लेंगे और चेन का भी सेंटर मार्क कर लेंगे, चेन वाले पोर्शन का। दोनों को मिला के तीनों साइड में उसको स्टिच करना है। ये किट सबको बनाना जरूरी हो गया आजकल, क्योंकि ट्रेन में एसी कोचेस में आजकल पेट्रोल देना बंद कर दिए हैं। या तो आपको परचेज करना पड़ेगा, या आपको डिस्पोजल शीट्स भी मिलती है आजकल, वो अरेंज करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम पहले ही अपनी पेट्रोल तैयार कर लें। ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही इजीली हम कैरी कर सकते हैं। इस तरह से चेन वाली पट्टी को तीनों साइड से हम अटैच करेंगे। लास्ट वाला पोर्शन अभी लास्ट में मैं अटैच करूंगी, थोड़ा सा छोड़ दिया है ओपन। इसको दोनों साइड आपको अटैच करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सेंटर से ही आप स्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा बैग। सेंटर से स्टार्ट करके एंड तक लेके जाएंगे, फिर वहां जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम कट करेंगे। Thank you.
बैग आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर बैग बन जाएगा। ये लास्ट में एक्स्ट्रा पोर्शन जो बचा है उसको मैंने कट कर दिया है। इस तरह से आपको तीनों साइड से स्टिच करना है। अभी आपका बैग तैयार है, अब इसको पलट के सीधा कर लेंगे। इसमें आप नैपकिन वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, और जैसे फैमिली मेंबर्स और भी होंगे तो आप इसमें एक्स्ट्रा बेडशीट या ब्लैंकेट वगैरह रख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपका इजीली बैग तैयार हो गया, जो बहुत ही लाइट वेट है, आपको ट्रैवल करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको ले जाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।